2024 में अपनी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कैसे करें बिना पासवर्ड के। दोस्तों, क्या आप भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी को अपने फ़ोन पर लॉगिन करना चाहते हो और आपको अपनी आईडी का पासवर्ड भी याद नहीं है? अगर हाँ तो इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग बिना पुराने पासवर्ड के अपनी इंस्टाग्राम आईडी को अपने फ़ोन में दोबारा से चालू कैसे करोगे, लॉगिन कैसे करोगे। तो आपको दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर वॉच करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से वॉच कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो बिना पासवर्ड के। तो ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तब तक आप लोगों को हमारे चैनल की नई अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपने फोन पर अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन करना है, ठीक। जब आप इंस्टाग्राम को ओपन कर दोगे तो यहाँ पर कुछ लोग डालते हैं, यहाँ पर आप डालते हो अपना आईडी का यूजर नेम, नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर डालते हो नहीं आता है, यहाँ पर डालते हो यहाँ भी नहीं आता है, ये गलती आप लोग कर देते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, आप ये गलती मत करिएगा। आपको यहाँ पर अपनी आईडी का यूजर नेम डालना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते हैं, तो आपको ईमेल आईडी नहीं डालना है, आपको अपनी आईडी का यूजर नेम डालना है, तभी आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो बिना पासवर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी का यूजर नेम डाल देना है। और अगर आपको आईडी का यूजर नेम नहीं याद है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो में मैं बीच में, लास्ट में कहीं भी बता सकता हूँ कि आपको अपनी आईडी का यूजर नेम कैसे पता करना है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच करना, ठीक। अब यहाँ पर आपको अपनी आईडी का यूजर नेम डालना है एंड यहाँ पर आपको फिंड अकाउंट पर दोस्तों क्लिक करना है। जब आप फिंड अकाउंट पर दोस्तों क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा, फिर आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब ये ऑप्शन आए तो यहाँ पर आपको गेट कोड और लिंक VIASMS ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर यही पे सेलेक्ट करना है जहाँ पे लिखा हुआ है गेट कोड। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो ना तो आप अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकते हो बिना पासवर्ड के। ध्यान दीजिए, आपको इसी पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है गेट कोड और लिंक VIASMS, आपको इसी पे सिलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों तो आपको हमारी आईडी भी मिल जाएगी JTM टेक्निकल 123, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप लोग दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा एंड इंटर कोड का ऑप्शन आएगा। अब आपका नंबर पर एक OTP आएगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पढ़ भी जाएगी, यहाँ पे देखते हो पढ़ गई है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक अपनी आईडी का नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बना लेना है, और अगर आपको नहीं बनाना है भैया तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है भैया। विदाउट बनाए पासवर्ड, विदाउट आपके पुराने पासवर्ड आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक अच्छा सा दोस्तों पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही पासवर्ड बना लेना है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक पासवर्ड बना लिया है। बनाने के बाद इस कंटिन्यू बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू बटन पे एक बार क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा नॉट नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपकी इंस्टाग्राम आईडी बिना पुराने पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रूफ मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को अपने फ़ोन पर दोबारा से चालू किया है बिना पुराने पासवर्ड के। यहाँ पर मैंने कोई भी पुराना पासवर्ड नहीं डाला है, बिना पासवर्ड के अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया दोस्तों। तो आप लोग भी इसी तरह से अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि यार यूजर नेम नहीं बताया आपने, कैसे पता करना है। यूजर नेम पता करने के लिए आपको अपने दोस्त का, फ्रेंड का, किसी का भी फोन आपको ले लेना है। लेने के बाद उसका फोन में इंस्टाग्राम ओपन करना है और सर्च बार पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी आईडी सर्च कर लेना है। मान लीजिए मेरी ये आईडी है, मैंने यहाँ पे सर्च किया और ओपन किया। इस तरह से ओपन करना है अपने दोस्त के फोन में अपनी आईडी। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ये दिखा हुआ है ना, ये ऊपर ध्यान दीजिए, ये वाला यही है आपकी आईडी का यूजर नेम। आपको यही चीज़ वहाँ पे डालनी होगी जो यहाँ पे यूजर नेम है।
और अगर आपको कोई भी आईडी खोलने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है JDM Technical 123, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करोगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेजबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।